जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। सैमसंग अपना एफ सीरीज में एक और बजट फोन लॉन्च करने वाला है इंडिया में, जिसका मॉडल है F04। इसका F4 फास्ट भी नाम दिया गया है और साथ में 8 GB रैम वाला ज्यादा ही हाईलाइट किया जा रहा है हर एक वेबसाइट पे। इसकी सच्चाई क्या है, इसका प्राइस क्या है और ये कब लॉन्च होने वाला है इंडिया में, ये सारा इस वीडियो में जानेंगे। मैं दिलीप आपका स्वागत करता हूँ टेक आदमी चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये 4 जनवरी को लॉन्च होने वाला है। इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो ये पुराना जो बजट फोन आते थे वैसे ही है, कुछ इसमें नया डिजाइन नहीं किया गया है। थोड़ा बहुत कैमरे में डिजाइन का अलग लुक दिया गया है। इसके पूरे बॉडी को प्लास्टिक से डिजाइन किया गया है और यह 2 कलर में आएगा, पर्पल और ग्रीन। तो चलिए इस फोन के पूरे फुल डिटेल के बारे में जानते हैं। इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.5 इंच का PLS डिस्प्ले मिल जाता है, 60Hz रिफ्रेश रेट मिल जाता है। UI एंड सिस्टम की बात करें तो 1 UI Core 4.1 UI मिल जाता है जो Android 12 पे बेस्ड है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें 2 Android का अपडेट मिल जाएगा, Android 13 और Android 14। इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो MediaTek Helio P35। स्टोरेज और रैम की बात करें तो इसमें एक ही चॉइस मिलेगा, 4/64। इसके बैक साइड में 2 कैमरे का सेटअप मिल जाता है, 13 MP का मेन कैमरा है जिसका अपर्चर 2.2 है, 2 MP का माइक्रो कैमरा है जिसका अपर्चर 2.4 है, 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। फ्रंट कैमरा है 5 MP का जिसका अपर्चर 2.2 है और नेटवर्क की बात करें तो ये 4G है। 15W का चार्जिंग एडाप्टर मिल जाता है जो फास्ट चार्जर नहीं है, नॉर्मल चार्जर मिल जाता है टाइप सी डाटा केबल के साथ और 5000mAh की बैटरी मिल जाती है। फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, डुअल सिम स्लॉट मिल जाएगा, 3.5mm का जैक मिल जाता है। तो दोस्तों, ये अगर 8000 के अंदर ये फोन आ रहा है तो अच्छा फोन है, अगर इसे आप परचेज करना चाहें तो अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल के लिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।